स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों NCL की जो मेरिट लिस्ट आने वाली थी वह स्टाफ नर्स की और टेक्नीशियन ट्रेनीज की जो थी वो आ चुकी है, और माइनिंग में जो लोग थे सिरदार और वगैरह ओबरमैन वगैरह जो वैकेंसी थी वो भी उनका भी मतलब लिस्ट आ चुकी है, मेरिट लिस्ट आप नाम देख सकते हैं और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या नोटिस आई है। सबसे पहले स्टाफ नर्स की देख लेते हैं। तो सबसे पहले नोटिस देखते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये नोटिस खुल जाएगी स्टाफ नर्स के लिए, क्या नोटिस है। दोस्तों ये नोटिस है क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है, इसमें पूरा दिया हुआ है, आप इस रोज इसको पढ़ सकते हैं। ये रोज़गार अधिसूचना क्रमांक NCLH की ये सब दिया हुआ है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय सारणी के अनुसार नियत तिथि समय एवं पते पर उपस्थित हों। समस्त उम्मीदवार कृपया निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। ये जो मांगा हुआ है तो इसको सब ध्यान देना है। और मैट्रिक की मार्कशीट, ये ए ग्रेड का नर्सिंग डिप्लोमा, रेडियोग्राफी, निर्धारित प्रारूप, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ये सब लेके जाना है दोस्तों। और ये दस्तावेज सत्यापन है, जारी उम्मीदवार सूची केवल उनके द्वारा 20/1/2019 को आयोजित लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया है, यानी 20 जो पेपर हुआ था उसी के आधार पर मेरिट बनाई गई है। और उनको 25/2/2019 से 1/3/2/2019 के बीच 9 बजे से लेकर साढ़े पाँच बजे शाम तक के लिए टाइम दिया गया है कि यानी 25 से 1 तारीख के बीच कभी भी आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और इसके पहले या बाद में मन नहीं जाना है, एक तारीख के बाद डेट निकल जाएगी, इसलिए पहले ही आप चले जाएँ 25 या 26 तक डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए। ये NCL के हेडक्वार्टर में जाना पड़ेगा आपको सिंगरौली में। फिर देखते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट हैं, किसके किसका नाम है इस लिस्ट पे। ये नाम है कुछ, रोल नंबर नाम तो नहीं है। और ये मेरिट लिस्ट जो आई है ये है मेरिट लिस्ट। ये है स्टाफ नर्स की मेरिट लिस्ट है। अब टेक्नीशियन की आपको मेरिट लिस्ट दिखा देते हैं। ये जो मेरिट लिस्ट है टेक्नीशियन की है और CTMRI वालों की है। दोस्तों आप मेरिट लिस्ट में नाम देख सकते हैं, रोल नंबर देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर जो है तो माइनिंग वालों का भी आया हुआ है। चलिए दोस्तों थोड़ी देर में देखते हैं, अभी साइट काम नहीं कर रही है, शायद सर्वर डाउन है। थोड़ी देर में आपको ये दूसरा वीडियो लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि माइनिंग में किसका किसका हुआ है।